हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका आप वेट कर रहे थे, रिजल्ट रिलीज हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर पास भी हो चुके हैं। चलिए, इसी के लिए एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं मैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए, जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट, क्योंकि बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे कि हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट लेट हुआ है। बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आ रहे थे, फाइनली रिजल्ट रिलीज हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टेंशन से रिलीज हुए भी होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आज 7:30 को लाइव क्लास है, आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। कुछ बातें हम करेंगे, कुछ मन हल्का करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एब्सेंट हो गए थे कि रेगुलर में मेट के जब रिजल्ट आया था तो उसमें पास नहीं हुए थे, एब्सेंट हुए थे, फाइनली आप पास हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री आ रहा है मेमो पर। देखिए, एग्जाम सप्लीमेंट्री हुआ तो सप्लीमेंट्री आएगा, लॉन्ग मेमो आएगा तो जब उसके अंदर रेगुलर आएगा। अभी रिजल्ट सप्लीमेंट्री, अगर आप रिजल्ट अगर आप फ्रेश या रेगुलर देगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, रेगुलर वालों का रिजल्ट होगा या आपका होगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री ही आएगा और मैं हॉल टिकट भी आप चेक करेंगे ऊपर, अगर नहीं देखे तो देखिए प्राइवेट कह करें वहां पर है, मतलब आप सेकंड टाइम एग्जाम लिख रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कह दी थी कि हम रेगुलर में काउंट करेंगे, देखेंगे जब लॉन्ग मेमो आपको आ जाएगा जिसके अंदर बार कोड सभी रहेगा, आपके डिटेल्स, वो लॉन्ग मेमो पे आपको चेक करना होगा कि वहां पर जो आप सब्जेक्ट पास हुए उसको स्टार्स आए हैं या मेमो पे सप्लीमेंट्री कहकर या प्राइवेट कहकर आएगा। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, रेगुलर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी रेगुलर देंगी कहकर इंफॉर्मेशन दी थी, वही वीडियो मैंने आपको अपलोड भी किया था। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, आप खुश होंगे और इसी तरह अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू कीजिए। और आप अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी ले सकते हैं अपने रिजल्ट के बेस पर। और मेमोस अभी टाइम लगेगा आने के लिए, आप सिर्फ अपने इंटरनेट से जो मेमो आप निकाले हैं पास मेमो, उसी के बेस पर आपको एडमिशन लेना होगा। और आपको सभी को पहले से पता होगा कि आपका रोल नंबर जो, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कंप्यूटर पर टाइप करेंगे तो सारा आपका डिटेल्स बोर्ड से खुद ब खुद कंप्यूटर ले लेगा। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपने कॉलेजेस में लीजिए। अब यहाँ पर एक आपको सबक मिल चुका है, एक धक्का लग चुका है कि हम फेल हुए हैं, कितने तकलीफ से आप गुजरे हैं। तो नेक्स्ट एहतियाती बरतिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, ये नौबत, इतना टेंशन लाने की नौबत मत दीजिए, स्टार्टिंग से मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश कीजिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, वो लोग भी थोड़ा अपसेट है, वो लोगों के लिए एक वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा, थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़े हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लेकिन फिर भी फेल हुए हैं, एक साल वो लोगों का वेस्ट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो फाइनली जो पास हुए हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। हाँ, एक और बात, आप सबने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, मेरे चैनल को देखे हैं आप, भूलिए मत, भूल जाइए मत। इसके बाद हमारा 10th हो गया, कभी कभी याद कीजिए मुझको भी, मैं भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी याद रखूंगा, क्योंकि आप अब बिजी हो जाएंगे आगे इंटर में या डिग्री या पॉलिटेक्निक, जो इंटर स्टूडेंट है डिग्री में, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में MLT जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके अंदर आप बिजी हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बेस्ट ऑफ लक।